समर्थ जुड़ेले बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं ईशा मालवीय के लिए, और ये स्टेटमेंट्स देते हुए वो काफी जो है वो टूटे हुए लग रहे थे, पर ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको सुन के जो है वो काफी लोग शॉक रह गए हैं कि ईशा मालवीय के जो उन्होंने सीक्रेट्स बताए और जिस तरह की बातें बताई है ईशा मालवीय के बारे में वो काफी शॉकिंग था। वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और एक्स पे ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लो काइंडली। हम बात करेंगे यहाँ पे समर्थ जुड़ेल के बारे में। समर्थ और ईशा जब शो में थे तब हमने इनका एक जो है ना वो एक केमिस्ट्री देखी। समर्थ बाहर से आए, समर्थ ने बोला मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ईशा ने कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। उसके बाद ईशा जो है वो अभिषेक के साथ नॉर्मल हो रही थी, जलप हो रही थी, चीजें बड़ी ऐसा लग रहा था कि वापस ये लोग पैचअप की तरफ जा रहे। फिर समर्थ आ गए, समर्थ की एंट्री होते ही ईशा जो है वो वापस अभिषेक के अगेंस्ट हो गई। और उसके बाद हमने ईशा और अभिषेक को देखा कि उनका जो केमिस्ट्री और की जो चीजें थी, जो उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो कंफर्टेबल नहीं थे, जो टीवी पे हम नहीं देख सकते थे, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, पर हमने वो भी देखे, सामाओ हमने डाइजेस्ट कर लिए, ठीक है। और उसके बाद ईशा मालवीय जब बाहर आई तो ईशा मालवीय और समर्थ चुड़ैल जो है उनका ब्रेकअप हो गया। समर्थ ने बताया कि ईशा जो है ना वो उनको शो से आने के बाद जो है ना उनसे बात ही नहीं करी थी। 7-8 दिन तक वो उनको मैसेजेस करते रहे, बात ही नहीं कर रही थी, और वो कहती कि तुम तो फेम लेने आए थे। और यहाँ पे एक और चीज ये कि ईशा ने बाहर आने के बाद जो है ना काफी सारा जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हैं इस तरह के कि यू नो लाइक ठीक है वो अच्छा लड़का है। एक जगह ईशा ने बोला है कि ही इज अ नाइस गाय बट हमारा नहीं बन सका। एक जगह ईशा ने ये भी बोला है कि ऐसे 10 को मैं पाल लू, ये भी ईशा ने बोला है। और समर्थ ने बोला है, चिंटू ने बोला है कि वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है, वो बहुत ही झूठी है, झूठ बहुत बोलती है। उसने बिग बॉस में आने से पहले अभिषेक को बर्थडे भी विश किया, अभिषेक के साथ भी बात करने लगी। वो शो में रहने के लिए मुझे यूज कर रही थी, होली की एक इवेंट था जहां पे उसने मुझे यूज किया, मतलब मुझे दिखाने के लिए सामने अपीयरेंस के लिए मेरे साथ एक दिन पहले उसने बात करना शुरू कर दिया, उसके बाद बात करना बंद कर दी। और जो वो बातें करती है वो काफी सारी झूठी बातें करती है, काफी सारा झूठ बोलती है। समर्थ जो है वो काफी जो है वो टूटे फूटे लग रहे थे, और पर वो कहते हैं वो बहुत झूठी है। अब यहाँ पे एक बात पॉइंट आता है कि ये जो झूठी वाली वे बात कर रहे हैं, 1 साल से ये लोग साथ थे, और ये अब मैं यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ पे एक रिव्यू दे रही हूँ, इसलिए जो लोग ईशा के फैंस है, जो चिंटू के फैंस है, जो अभिषेक के फैंस है, जस्ट टू लेट मी नो दैट इफ आई एम रॉन्ग, टेल मी वन थिंग दैट अभिषेक तो ये बात कह रहे थे कि झूठी है ईशा, राइट? उस वक्त समर्थ ये कह रहे थे कि अभिषेक झूठा है, अभिषेक की सारी बातें झूठी है, राइट? फिर अभिषेक के भी काफी जो है वो मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी हाँ कभी मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ, कभी कहते कि मैं तो सिर्फ इसे शो में आने के लिए, शो में एक जिसे कहते हैं ना हाई प्रॉफिट के लिए यूज करूंगा। फिर अभिषेक जो है वो पीछे हो जाते थे, फिर अभिषेक जो है वो कुछ मीन बातें करते थे, फिर अभिषेक दीवाना पर दिखाते थे, फिर उसके बाद हम चिंटू को देखते थे कि वो अभिषेक से लड़ते थे, फिर देखते थे हम चिंटू को कि अभिषेक के साथ बैठे हुए होते थे। और इन सारी चीजों में हम ईशा को देखते थे, कभी ईशा इधर होती थी, कभी ईशा उधर होती थी, और ईशा कंफ्यूज होती थी। मैंने ईशा के बारे में एक बात कही कि ईशा इज अ किड, यस 20 ईयर्स जो है ना एज, 20 साल की जो एज होती है ना, ये बहुत ही इमेच्योर है, इसमें आप रिलेशनशिप एक मेच्योर रिलेशनशिप तो नहीं बना सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज अभिषेक ने मेंशन की थी, एक चीज चिंटू ने भी कही थी कि ईशा जो है बहुत ही ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है लेकिन साथ में इमोशंस भी रखने चाहिए है। समर्थ ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी ईशा के लिए जो स्टेटमेंट दी है कि अपॉर्चुनिस्ट है, यूज करती है लोगों को, झूठ बोलती है, ईगो बहुत बड़ा है। आज भी मैंने बता रहा कि हमारा एक्चुअली ब्रेकअप हुआ किस बात पर है। ईशा ने बाहर आके बोला कि भाई यू नो लाइक मैं इसे 10 पाल लूं, राइट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये वही लोग हैं समर्थ और ईशा, स्पेशली समर्थ और ईशा, ये दूसरों के रिलेशनशिप्स को बहुत इजीली जज करते थे। शो में अगर कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे वो ईशा और समर्थ कर रहे थे। ईशा अच्छा चलते चलते ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, जब उन्हें पता चला कि मुनव्वर फारूकी के ऊपर एक सिचुएशन आई है, तो वहां पे हमने देखा ईशा जो है वो एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही थी और मनारा को भड़का रही थी, इधर जाके बोल रही थी, उधर जाके बोल रही थी। समवेयर मैंने ईशा को और चिंटू दोनों को रूथलेस होते हुए देखा था, मनोवर और मनारा के मामले में मैंने देखा था कि ये दोनों बहुत ही रूथलेस हो गए थे। ये जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह से ये दोनों जो है वो कर रहे थे हरकतें, इधर से बात, उधर की बात, इधर की बात, उधर, बहुत ही जैसे कहते हैं एक रूथलेस बिहेवियर मुझे इनका नजर आया था। क्या हम इसको कार्मा कह सकते हैं कि दूसरों के रिलेशन पे जज करने वाले आज खुद इनके रिलेशनशिप जो है मजाक बन गया है? दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ऑफकोर्स दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, पर दोनों ने शो में किया क्या?
ईशा की एक क्लिप अगर आप देखें याद होगा आपको, जब मनारा चोपड़ा और मनोहर एक टीम में थे और मनारा जब मनोहर को प्रोटेक्ट करी थी, तो ईशा ने किस तरह के स्टेटमेंट्स मनारा के लिए दिए थे वो याद होगा आपको, राइट। और आपको ये भी याद होगा कि मनोहर के लिए समर ने किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे, चाइना वाला सिम वाला मोबाइल एंड ऑल। नाउ दोनों ही एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं इसको पाल लूंगी, और वो बोल रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो झूठी है। ऐसे रिलेशनशिप्स जो है ना, जो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें जिस तरह के सीन्स आ रहे थे, जिस तरह की झलकने कर रहे थे शो में, वो फैमिली शो में वो अच्छे नहीं लग रहा था। ऑल्दो वहां पे हमने देखा कि जब अभिषेक ने जगह बोला भी था कि यार क्या कर रहे हो सबके सामने, तो वहां पे हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सलमान खान आके वीकेंड के वार पे ईशा और समर को रोकेंगे, तो वहां पे सलमान खान ने अभिषेक को ही डांट दिया था कि तुम कौन होते हो किसी के पर्सनल उसमें बोलने वाले, जबकि पर्सनल कुछ था नहीं। लेकिन वहां पे जब कॉन्टेंट जिस तरह का देना था, इन दोनों को पता था किस तरह कॉन्टेंट देना है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी को बुरा चाहोगे, किसी को बुरा दिखाओगे, आप किसी को नीचा दिखाओगे, आप किसी के रिलेशनशिप में पॉइजन घोलोगे, आप किसी के पीछे पड़ जाओगे, उसका इमेज डाउन करने की कोशिश करोगे, अपना जैसे कहते हैं आप वेनम स्प्रिट करोगे एक शो में जहां पे मुनव्वर फारूकी काफी वीक पोजिशन में था, जहां पे समवेयर मनारा जो काफी इफेक्ट हुई हुई थी क्योंकि आयशा की एंट्री की वजह से, और इसमें इन दोनों ने जिस तरह का रोल प्ले किया था वो आज तक हम सबको याद है, हम उस चीज को ही भूल सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें याद है कि ये दोनों क्या कर रहे थे उस वक्त, और आज ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं वो भी गलत है। वो भी इन दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, और इन दोनों को इन चीजों को अब क्लोज कर देना चाहिए और मूव ऑन हो जाना चाहिए। आई रियली होप कि अब ईशा भी फॉर सम टाइम लाइक एटलीस्ट फॉर 4-5 years किसी और रिलेशनशिप में ना जाए, बिकॉज रिलेशनशिप ऐसा हो गया है आजकल की जेंजी जैसे कहते हैं ना आप जनरेशन के लिए, रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उनको लगता है कि अगर हमारे पास एक बॉयफ्रेंड नहीं होगा, एक गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तो हमारी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। या अगर हम जैसे कहते हैं ना किसी एक के साथ नहीं होंगे, हमें किसी एक के साथ होना तो लाजमी है, वरना हमारी जो है वो हाइप नहीं रहेगी। जैसे कि समर ने बताया कि ईशा चाहती थी कि वो इवेंट्स में जो है वो ईशा के साथ अच्छे से दिखे, यानी कि दिखे इनकी बात हो, तो ये इंडस्ट्री में रहते हुए एक रिलेशनशिप में रहना, या यू नो लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंडस्ट्री से बाहर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है कि होना ही चाहिए वरना इंसल्ट हो जाएगी, रिस्पेक्ट की बात है, ये बिल्कुल ही बोगस बात है, बेकार बात है। रिलेशनशिप वो होता है जो आपके वीक मोमेंट्स में, आपके स्ट्रांग मोमेंट्स में आपके साथ खड़ा हो, आपकी रिस्पेक्ट रखे, आपकी ऐसी बातें जो आपके अंदर वीकनेसेस है वो उनको ढाके और दूसरों के सामने ना लेकर आए, और एक दूसरे को अपॉर्चुनिस्ट कहना, पाल लेना, इस तरह के वर्ड्स बोलना, ये रिलेशनशिप की खुद अपने आप में ही इंसल्ट है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में जो था, जैसे कि समर ने ये भी बोला कि इट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन, वो सिर्फ अट्रैक्शन ही था, वो सिर्फ एक टाइम के पीरियड के लिए जैसे कहते हैं ना एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें किसी के साथ होना है, एंड ये आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, विच नीड्स टू बी स्टॉप, इसको स्टॉप होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पवार।